हेलो एवरीवन, आज हम आपको क्लास 11th का चैप्टर 5 का फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम इससे चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख लें। हमने ये B2B कॉमर्स डिस्कस कर लिया था, अब हम नेक्स्ट B2C कॉमर्स डिस्कस करेंगे। एज द नेम इम्प्लाइज B2C, B2C का मतलब होता है बिजनेस से कस्टमर से, बिजनेस टू कस्टमर मतलब कि बिजनेस से हम कस्टमर पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांजेक्शंस हैव बिजनेस फॉर्म्स एट वन हैंड एंड इट्स कस्टमर ऑन द अदर एंड। एक तरफ तो बिजनेस मैन फॉर्म्स होती हैं और दूसरी तरफ क्या होते हैं, उसके कस्टमर्स होते हैं। ऑल दो वॉट कम्स टू वन माइंड इंस्टेंटली इज ऑनलाइन शॉपिंग। क्या आता है सबसे पहले कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड दैट सेलिंग इज द आउटकम ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। कि जो है सेलिंग क्या होता है कि मार्केटिंग प्रोसेस का आउटकम होता है। भाई जैसे मार्केट होगी वैसे उतने ही गुड्स सेल करेंगे, जितना जो है लोगों को पता होगा। एज द मार्केटिंग बिगिंस वेल बिफोर अ प्रोडक्ट इज ऑफर्ड फॉर सेल। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं तो उससे पहले हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम ये नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसे कहते हैं मार्केटिंग। एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड। भाई प्रोडक्ट एक बार बिक गया उसके बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है, कि वो चाहते हैं कि बिजनेसमैन चाहता है कि ये प्रोडक्ट और से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे खरीदे। बी टू सी कॉमर्स देयर फोर एंटेल्स अ वाइड गैमेट ऑफ मार्केटिंग। ज़्यादा मार्केटिंग चाहता है भाई, जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी उतना ही ज़्यादा उसका प्रोडक्ट बिकेगा। एक्टिविटीज सच एज आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज, प्रमोशन एंड समटाइम्स इवन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। आजकल क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फ्री डिलीवरी भी देते हैं कि हम आपको डिलीवरी भी फ्री देंगे तो लोग ज़्यादा मंगाते हैं। एग्जाम्पल म्यूजिक और फिल्म्स दैट आर कैरिड आउट ऑनलाइन। ऑनलाइन ही फिल्म्स और म्यूजिक तो आज ऑनलाइन ही देखते हैं हम। ई कॉमर्स परमिट्स कोड ऑफ दीज एक्टिविटीज एट अ मच लोअर कॉस्ट बट हायर स्पीड। कॉस्ट तो इनकी कम होती है और स्पीड ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ATM स्पीड्स अप द विड्रॉल ऑफ मनी। ATM से क्या होता है, हम पैसे जल्दी से निकाल लेते हैं। कस्टमर दीज डेज आर बिकमिंग वेरी चूजी एंड डिजायर इंडिविजुअल अटेंशन टू बी गिवन टू दैम। कस्टमर क्या चाहते हैं कि हमें इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाए और हम अपनी चॉइस से गुड खरीदें। नॉट ओनली डू दे रिक्वायर द प्रोडक्ट फीचर्स टू बी टेलर मेड टू सूट देयर रिक्वायरमेंट। वो चाहते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, बट ऑल्सो कॉन्वीनियंस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी भी कॉन्वीनियंट हो भाई, हमारे घर पे आ जाए प्रोडक्ट। एंड पेमेंट एट देयर प्लेजर, और पेमेंट भी हम अपनी मर्जी से कर पाए। विद ऑनसेट ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई। ऑल दिस इज बिकम अ रियलिटी, इसकी वजह से ये सब काम हो पाए ई कॉमर्स की वजह से। फर्दर बी टू सी वेरियंट ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स द बिजनेस टू बी इन टच विद इट्स कस्टमर्स ऑन द राउंड द क्लॉक बिजनेस। क्या होता है कि भाई वो बिजनेस कस्टमर्स से वो कॉन्टेक्ट में रह पाते हैं और फिर वो काम कर पाते हैं। कंपनीज कैन कंडक्ट ऑनलाइन सर्वेज टू एसरटेन एज टू हु इज बाइंग वॉट एंड वॉट द कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन लेवल इज। कंपनीज क्या करती है, ऑनलाइन सर्वेस करती है कि भाई वो प्रोडक्ट जो उन्होंने बेचा था उसे कौन खरीद रहा है और कितना जो है कस्टमर उससे लिए सेटिस्फाइड है। तो अब हम देखेंगे ये बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या क्या है, वह बेनिफिट किस किस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है, बेनिफिट कंज्यूमर और सोसाइटी को भी है। और तो हम फर्स्ट देखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है इस ई कॉमर्स के। फर्स्ट है एक्सपेंड्स द मार्केट प्लेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। भाई मार्केट जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, यहाँ के लोग भी देख सकते हैं, बाहर के लोग भी देख सकते हैं। वेबसाइट्स जो होती हैं वो एक बार बन जाती है, उसे कोई भी नेशनल देखे या इंटरनेशनल, बाहर के लोग देखें, कहीं भी देख सकते हैं। ग्रेजुअल डिक्लाइन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इससे क्या होता है कि कॉस्ट कम लगती है कि भाई बाहर जाके बेचेंगे, बाहर जाके उसका मार्केट करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, और इंटरनेट पे जो है होगा तो वो कॉस्ट कम लगेगी, मार्केट करने की और बेचने की कॉस्ट कम होगी। फैसिलिटीज पुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इससे क्या होता है, मैनेजमेंट चेन मैनेजमेंट
के थ्रू हो पाता है, इसके थ्रू काम, इंटरनेट के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू काम, एक लाइन वाइज चेन मैनेजमेंट के थ्रू हम कर पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, एंड जो कॉम्पिटिटर होते हैं हमारे, उनके उनसे हम वो एडवांटेज मिल जाती है, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है कि हम जो इंटरनेट पे देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट के क्या 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 है उसमें है, कैसा बना हुआ है, और उससे हम कैसा अच्छा प्रोडक्ट बनाए, क्या हमारे अंदर एडवांटेज हो तो दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये सब हम उस पर देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड फुल बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब कि हम प्रॉपर टाइम मैनेज कर सकते हैं कि इस काम के लिए इतना टाइम चाहिए, इस काम के लिए इतना टाइम चाहिए, तो टाइम हम मैनेज कर सकते हैं। एंड बिजनेस सपोर्ट बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, भाई इतने इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, उससे बिजनेस सक्सेसफुली रन हो सकता है। स्मॉल फर्म्स को एग्जिस्ट विद बिग फर्म्स, अब स्मॉल फर्म्स जो होती है, जो छोटी फर्म्स होती हैं, वो बिजनेस बिग फर्म्स के साथ मिल सकती हैं, मिलके एग्जिस्ट कर सकती हैं, मिलके काम कर सकती हैं। बेनिफिट्स टू कस्टमर्स एंड सोसाइटी, अब कस्टमर और सोसाइटी के लिए इसका क्या बेनिफिट है? फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भाई हमारे हाथ में होता है, हम प्रोडक्ट जो है किसी भी टाइम खरीद सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं और कैसे भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन हम पेमेंट कर सकते हैं, रात को भी खरीद सकते हैं, दिन में भी खरीद सकते हैं, सुबह भी खरीद सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हिसाब से होती है। लेकिन वहाँ पे शॉप्स में क्या होती है भाई, दुकान सुबह ही खुलेगी 10 बजे से रात को 7 बजे तक, 8 बजे तक, उसके बाद तुम प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, तो ऐसा कुछ ई कॉमर्स में नहीं होता। ई कॉमर्स में तुम किसी भी टाइम खरीद सकते हो। कॉम्पिटिटिव प्राइस, डिस्काउंट्स एंड वेव ऑफ, क्या होते हैं भाई, प्राइस भी जो है उन पर सेल लगती है, कॉम्पिटिटिव प्राइस होती है, तुम्हारा मन करे इस वेबसाइट से खरीदो, उससे खरीदो, तुम एक प्रोडक्ट को कई वेबसाइट्स पे देख सकते हो भाई, जिससे तुम्हें प्राइस अच्छा लगे उससे खरीद लो। डिस्काउंट्स भी देते हैं उस कस्टमर्स को कि भाई तुम ऑनलाइन पेमेंट करोगे या फिर इसके थ्रू पेमेंट करोगे, पेटीएम के थ्रू करोगे तो तुम्हें इतना परसेंट ऑफ मिलेगा, इसके थ्रू करोगे तो तुम्हें इतना ऑफ मिलेगा, ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। मोर ऑप्शंस एंड चॉइसेस एंड द कस्टमाइज प्रोडक्ट, भाई क्या होते हैं, ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल होते हैं हमारे पास ऑनलाइन, हम एक चीज़ हमें खरीदनी है तो हम अलग अलग वेबसाइट्स पे उसको देख सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा हैं, हमारे पास चॉइस करने के लिए गुड्स ज़्यादा हैं। और प्रोडक्ट जो होते हैं वो कस्टमाइज, मतलब हम कंपनी का भी ले सकते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट कि हमें इस कंपनी का चाहिए, तो कंपनी के वाइज भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं ऑनलाइन। क्विक एंड टाइमली डिलीवरी, भाई क्या होती है, डिलीवरी हमारे घर तक प्रोडक्ट आ जाता है और टाइम वो हमें टाइम पे दे देते हैं, भाई टाइम इतना देते हैं कि ये प्रोडक्ट 4 दिन में पहुंचेगा, 5 दिन में पहुंचेगा, 1 हफ्ते में पहुंचेगा, तो ये सब वो हमें टाइम बता देते हैं, इस टाइम में डिलीवरी हो जाएगी प्रोडक्ट की। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कि यहाँ पर जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इससे जो लोग जो है को वो बिजनेस में आके वो देखते हैं भाई, काम करते हैं, वो ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन लोगों को काम भी मिलता है। फैसिलिटेट ई ऑक्शन एंड ई टेंडर्स, इससे क्या होता है, ई ऑक्शन होता है भाई, कोई भी वो गुड्स बनेगा तो वो पहले जो है उसके टेंडर्स निकलेंगे कि भाई कहाँ कहाँ जो है ये इसके लिए क्या क्या चाहिए और बेचने के लिए उस कहाँ कहाँ बेचा जाएगा, कि किस किस प्राइस पे बेचा जाएगा, किस किस वेबसाइट पे बेचा जाएगा, तो ये सब ऑप्शंस होते हैं भाई कहाँ कहाँ बिकेगा ये प्रोडक्ट। इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, कस्टमर से इंटरेक्शन होता है कि तुम्हें कैसा लगा, वो फीडबैक मांगते हैं ऑनलाइन के प्रोडक्ट तुम्हें कैसा लगा, क्या क्या वो थे, तो ये सब इंटरेक्शन करते हैं कस्टमर्स से। वाइडर आउटस्ट्रेच, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ है, वाइडर है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक लोग बैठ के इसको देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू कहीं भी काम कर सकते हैं बैठ के, तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये हेडिंग है एटीएम स्पीड्स अप द विड्रॉल ऑफ मनी। एटीएम से क्या होता है, पैसे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। विड्रॉल ऑफ वंस ओन मनी फ्रॉम द बैंक फॉर एग्जाम्पल इज अ टीडियस प्रोसेस, क्या होता है, एक मुश्किल प्रोसेस होता है कि भाई सुबह 10 बजे बैंक खुलेगा, 2 बजे तक खुलेगा, इसी बीच में तुम्हें जाके पैसे निकालने होंगे। लेकिन एटीएम से क्या होता है, एटीएम से तुम किसी भी टाइम जाके पैसे निकाल सकते हो और ये जल्दी निकल जाते हैं। वन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ
फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी फॉर्मेलिटी करते हैं बैंक में जाने के बाद, बिफोर ही और शी इज एबल टू गेट पेमेंट, पेमेंट लेने से पहले। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एटीएम के थ्रू क्या हुआ, ऑल दिस इज फास्ट बिकमिंग अ हिस्ट्री नाउ, कि भाई एटीएम्स के थ्रू क्या हुआ, तुम जाओ जाके जो है एटीएम पिन डालो और हाथों हाथ पैसे आ जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी काम कर देता है। बाय नाउ यू माइट हैव फॉर्म्ड द ओपिनियन डेट बी टू सी इज वन वे ट्रैफिक फ्रॉम बिजनेस टू कस्टमर। भाई एक तरफ का ट्रैफिक है क्या, बिजनेस से कस्टमर की तरफ जाते हैं, बट डू रिमेम्बर इट इज अ कोलरली, कि हम कस्टमर से भी बिजनेस की तरफ आते हैं। सी टू बी कॉमर्स इज वेरी मच रियलिटी विच प्रोवाइड्स अ कस्टमर्स विद द फ्रीडम ऑफ शॉपिंग एट विल। भाई शॉपिंग कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से, तो कस्टमर से बिजनेस का भी ऑपरेशन होता है। कस्टमर्स कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ द कॉल टोल फ्री कॉल्स टू मेक क्वेरीज। भाई कॉल नंबर दिए हुए होते हैं, टोल फ्री नंबर दिए हुए होते हैं, कि भाई कुछ ना कुछ पूछना है तो कस्टमर्स वो पूछ सकते हैं, एंड लॉज कंप्लेंट्स राउंड द क्लॉक विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लॉक नहीं, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी होती कस्टमर्स को, और अपनी कंप्लेंट वो डाल सकता है अगर उसे कोई दिक्कत है प्रोडक्ट में तो। द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस इज दैट वन हैज टू नीड नॉट सेटअप दीज कॉल सेंटर्स और हेल्पलाइन। भाई उसके लिए किसी इंडिविजुअल को नहीं सेटअप करनी होती, दे मे बी आउटसोर्स, कोई बाहर का जना बिजनेस फर्म ही लगा देगी या कोई और लगा देगा। वी विल डिस्कस दिस एस्पेक्ट लेटर इन द सेक्शन डिवोटेड इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। थर्ड है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है, हेंस द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर फ्रॉम विद इन अ गिवन बिजनेस फर्म्स। क्या होती है, पार्टीज जो है वो बिजनेस फर्म्स से होती हैं, हेंस द नेम इंट्रा बी कॉमर्स। क्या होता है, इसका नेम क्या दिया गया, इंट्रा बी कॉमर्स, मतलब कि बिजनेस के अंदर अंदर जो है जो ट्रांजेक्शन होती हैं, जो बिजनेस के अंदर अंदर लोग आपस में बातें करते हैं, ट्रांजेक्शन होती है, उसको हम कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। एज नोटेड अर्लियर टू, वन क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस इज दैट ई कॉमर्स कंप्राइजेज अ बिजनेस फर्म इंटरेक्शन। ई कॉमर्स क्या होता है, वो बिजनेस फर्म इंटरेक्शन जो होती है वो सब कंबाइन करता है विद इट्स सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। किस किस से जो इंटरेक्शन होती है, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से और दूसरी बिजनेस फर्म्स से। ई बिजनेस क्या होता है, इस मच वाइडर टर्म एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर मैनेजिंग इंटरेक्शन। इससे क्या होता है, इंटरनेट का यूज होता है मैनेज इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करने के लिए एंड डीलिंग अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड पर्संस विद इन द फर्म। जो फर्म्स में अंदर लोग हैं उनको डील करने के लिए भी इंटरनेट का यूज किया जाता है। यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मेक इट फेसिबल फॉर द नेटवर्किंग डिपार्टमेंट टू इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड गेट द कस्टमाइज प्रोडक्ट मेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर। पर इंडिविजुअल कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इंटरकॉम फैसिलिटीज, वॉइस कम्युनिकेशन विद इन द ऑफिस, इंटरनेट फैसिलिटीज, मल्टीमीडिया एंड इवन 3D ग्राफिक कम्युनिकेशन। ये सब का 3D ग्राफिक कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया, ये सब इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाई है। अमंग द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट फॉर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये सब पॉसिबल हो पाई है, और इससे हम क्या करते हैं, अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं, परमिटिंग बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाता है, एंड फास्टर डिसीजन एंड स्पीडियर वर्क्स। इससे क्या होता है, डिसीजन भी जल्दी लिया जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। टेक फॉर एन एग्जाम्पल, फर्म इंटरेक्शन विद इट्स एम्प्लॉय समटाइम्स रेफर टू एज बी टू ई कॉमर्स। जो फर्म इंटरेक्शन कर रही है अपने एम्प्लॉय से, उसको हम कई बार बी टू ई कॉमर्स कहते हैं। कंपनीज आर रिस्टोर्टिंग टू
पर्सनल, रिक्रूटमेंट, इंटरव्यूइंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वो क्या करती है कंपनीज अपने फॉर्म में इंटरव्यू दे लेती हैं, सिलेक्शन करती हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करती हैं एंड एजुकेशन वाई ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के थ्रू. एम्प्लॉयज कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग को यूज करते हैं एंड ऑर्डरिंग फॉर्म्स एंड एसेस इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन फॉर बेटर इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स. कस्टमर्स से इंटरेक्ट करने के लिए भाई वो ऑनलाइन कैटलॉग बनाते हैं, ऑर्डरिंग फॉर्म्स बनाते हैं एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी कस्टमर को कहते हैं, भाई तुम देख सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर्म के बारे में. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी वुड मीन दैट द एम्प्लॉयज डू नॉट हैव टू कम टू ऑफिस, उन एम्प्लॉयज को घर पे नहीं हमें आ रहे ऑफिस नहीं आना. इंस्टेड इन अ वे द ऑफिस गोज टू देम, ऑफिस उनके पास जाता है एंड दे कैन वर्क फ्रॉम वेन एवर दे आर, वो जहाँ पर है वहीं से वो काम कर सकते हैं. जैसा आजकल हो रहा है इसमें कोरोना काल में कि जो जहाँ है वो वहीं से काम कर सकता है एंड एट देयर ओन स्पीड एंड टाइम, अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम फ्लेक्सिबल होता है. मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑनलाइन, मीटिंग क्या होती है ऑनलाइन हेल्ड होती है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हो रही है. तो ये यहीं पर ख़त्म होता है टॉपिक. नेक्स्ट हम C2C कॉमर्स नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.